हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। शर्मा वीडियो के नए वीडियो लेक्चर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज आप सीखने वाले हैं यूज ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव होता क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है। और जब इसका हिंदी वाक्य में अनुवाद करते हैं तो इन्फिनिटिव की हिंदी वाक्य अक्सर ना है, नी है, ने है, ना था, नी थी, ने थे आदि शब्दों पर समाप्त होते हैं। ये इन्फिनिटिव की पहचान बताई मैंने आपको। एक बात और समझ लीजिए आप, प्रेजेंट टेंस में फ्यूचर का आभास। इन्फिनिटिव वाले वाक्यों में आप प्रेजेंट टेंस में ही फ्यूचर का आभास करते हैं। इसका फार्मूला देख लेते हैं। बड़ा ही आसान सा फार्मूला है, बड़ा ही इजी है, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है आज का। आपको ध्यान से देखना है वीडियो को। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर करें। देखते हैं फार्मूला, इन्फिनिटिव वाले वाक्य का फार्मूला देखते हैं। इन्फिनिटिव वाले वाक्यों में प्रेजेंट टेंस में फ्यूचर का आभास होता है। देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वोज वर्ब में से कोई एक, प्लस इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव का रूप क्या होता है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है। ये इन्फिनिटिव की पहचान है, सीधी सी पहचान है। फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है। देख लेते हैं। मुझे जयपुर जाना है, आई एम टू गो टू जयपुर। इस वाक्य में टू गो जो है वो इन्फिनिटिव है। फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है। टू गो जो है वो इन्फिनिटिव है। गीता को यहां आना है, गीता इज टू कम हेयर, गीता इज टू कम हेयर। इसमें टू कम जो है वो इन्फिनिटिव पार्ट है। टू कम आना। मुझे डॉक्टर के पास जाना है, आई एम टू गो टू द डॉक्टर, आई एम टू गो टू द डॉक्टर। इस सेंटेंस में भी टू गो जो है वो इन्फिनिटिव है। सरिता को घर की सफाई करनी है, सरिता इज टू क्लीन द हाउस। इसमें जो है टू क्लीन जो है वो इन्फिनिटिव है, करनी है, सफाई करनी है। इसके बाद देखिए, हमें आज लंदन जाना है, वी आर टू गो टू लंदन टूडे। हमें आज लंदन जाना है, वी आर टू गो टू लंदन टूडे। इस सेंटेंस में टू गो जो है वो इन्फिनिटिव पार्ट है। तुम्हें एक पत्र लिखना है, यू आर टू राइट ए लेटर। मैंने आपको अभी कहा था आप प्रेजेंट में फ्यूचर का आभास करते हैं। आप सेंटेंस की परिभाषा में जाइए, ध्यान से देखिए आगे से। तुम्हें एक पत्र लिखना है, लिखा नहीं है पत्र, तुम्हें लिखना है। तो जो कार्य करना है, आगे करना है, वो फ्यूचर होता है। लेकिन इसकी पहचान क्या है? लिखना है लिखा हुआ है वर्ब जो है प्रेजेंट में आती है, यानी कि कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस, लेकिन आभास हो रहा है फ्यूचर टेंस का। वो कार्य किया नहीं है, करना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो लेक्चर आज का, यूज ऑफ इन्फिनिटिव इन कन्वर्सेशन। इंग्लिश कन्वर्सेशन में इन्फिनिटिव का प्रयोग किस तरह करते हैं, और जब इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट में ही फ्यूचर का आभास होता है। इस तरह देख लेते हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना है, दे आर टू प्ले क्रिकेट। इस सेंटेंस में टू प्ले जो है वो इन्फिनिटिव पार्ट है। इसी तरह से तुम्हें एक पत्र लिखना है, यू आर टू राइट ए लेटर। इसमें जो है टू राइट जो है इन्फिनिटिव पार्ट है। I have told you just now, मैंने अभी आपको बताया dear student, first form से पहले टू लगाने से infinitive बनता है। और हिंदी वाक्यों में इसका अर्थ निकलता है ना है, नी है, ने है, या ना था भी कह सकते हैं, ना था भी हो सकता है। जिस तरह हम कह सकते हैं हमें क्रिकेट खेलना था, we were to play cricket, उन्हें स्कूल जाना था, they were to go to school, उसे मेरी सहायता करनी थी, he was to help me। तो बड़े ही इजी सेंटेंस हैं, लेकिन बड़े ही अमेजिंग सेंटेंस हैं। इस तरह के जो स्ट्रक्चरल लेक्चर हैं, इनके बिना आप स्पीकिंग में सफल नहीं हो सकते। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए, अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, टेंस के सभी फॉर्मेट और स्ट्रक्चरल इंग्लिश का सहारा लेना होता है। यही नहीं, इसके बाद आपको अधिक से अधिक वोकैब के वर्ड, अधिक से अधिक वोकेबलरी, अधिक से अधिक मीनिंग याद करने होते हैं। इसके बाद आप अच्छी इंग्लिश सीख जाते हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है
यूज ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है एक बार फिर बता रहा हूं मैं आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है। और इन्फिनिटिव के जो वाक्य होते हैं हिंदी में वो ना है, नी है, ना था, नी थी आदि पर समाप्त होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, आप वाक्य को प्रेजेंट या पास्ट में कर रहे हैं लेकिन आपको फ्यूचर का आभास हो रहा है। क्यों हो रहा है आभास? आई एम गोइंग टू टेल यू सम एग्जाम्पल, सम मोर एग्जाम्पल। जिस तरह से मुझे एक पत्र लिखना है, आई एम टू राइट ए लेटर, पत्र लिखा नहीं है, लिखना है। तो जब लिखना है तो बात फ्यूचर में चली गई, अभी लिखा नहीं है। जो करेंगे आगे करेंगे तो फ्यूचर पार्ट है, लेकिन कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस। जब प्रेजेंट टेंस में ही या फ्यूचर टेंस या पास्ट टेंस में ही फ्यूचर टेंस का आवाज होता है तब हम कहते हैं यूज ऑफ इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव का फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज टू एम टू आर टू वर्ड टू वर्ड टू में से कोई एक प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट। जिस तरह से मुझे दिल्ली जाना है, आई एम टू इज टू एम टू आर टू वर्ड टू वर्ड टू में से एक लगेगा, आई एम टू। गो टू डेली फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है। तो डियर स्टूडेंट इसी के साथ ये आज का वीडियो लेक्चर समाप्त हुआ। आज का वीडियो लेक्चर था यूज ऑफ इन्फिनिटिव इन कन्वर्सेशन, यूज ऑफ इन्फिनिटिव इन बेसिक इंग्लिश। इन्फिनिटिव का प्रयोग बेसिक इंग्लिश में, इंग्लिश कन्वर्सेशन में इस तरह करते हैं। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। इस तरह की जानकारी के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक गाइड को, अधिक से अधिक फ्रेंड्स को, अधिक से अधिक स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ वेरी नाइस डे।